जय साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीमा अलर्ट पर। इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्समैन और रिलेशन की नई भर्ती निकल चुकी है। यदि आपको इसकी पूरी डिटेल लेनी है तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। मतलब ये भर्ती कहाँ पे निकली हुई है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, कब ये भर्ती होनी है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी पूरी डिटेल लेकर इस वीडियो में आए हैं। इसलिए आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्समैन और रिलेशन की नई भर्ती निकल चुकी है। मराठा लाइट रेजिमेंट सेंटर में यह भर्ती निकली हुई है। महाराष्ट्र लाइट रेजिमेंट सेंटर बेलगांव कर्नाटक में भर्ती होनी है। इसमें सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर क्लर्क की पोस्ट निकली हुई है। आपको इस भर्ती में जाने के लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सोल्जर जीडी के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है 45% मार्क्स से, और हर सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स होना जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन में आपको 10वीं पास होना जरूरी है, और हर सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स होना जरूरी है, मतलब 33% नंबर होना जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन में हाउसकीपर और मैच कीपर में आपको 8वीं पास आना जरूरी है। सोल्जर क्लर्क में आपको प्लस टू पास होना जरूरी है 60% मार्क्स से, मतलब 60% नंबर होने चाहिए आपको प्लस टू में, और हर सब्जेक्ट में आपको प्लस 50% मार्क्स होना जरूरी है। सोल्जर जीडी के लिए आपकी मिनिमम एज 17.5 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 21 ईयर होना चाहिए, मतलब 17.5 साल से 21 साल के बीच वाले कैंडिडेट सोल्जर जीडी में भर्ती में जा सकते हैं, और आपकी एज 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस सोल्जर जीडी की भर्ती देख सकते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर क्लर्क के लिए आपकी मिनिमम एज 17.5 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 23 ईयर होना चाहिए, मतलब 17.5 साल से 23 साल के बीच वाले कैंडिडेट सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर कलर की भर्ती देख सकते हैं, और आपकी एज 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच होनी चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोग्रेस क्या है? सबसे पहले का इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आपका कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका रियली ग्राउंड में ही होगा, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी आपका रेली साइट पर ही होगा। भर्ती में जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं साथ में?
आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके साथ जाने हैं और साथ में हर हर डॉक्यूमेंट के दो फोटोकॉपी लेके जाने साथ में। आपने अपने साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, स्कूल करैक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, करैक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, अनमैरिड सर्टिफिकेट लेके जाना है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेके जाना है, साथ में एफिडेविट ऑफ रिलेशन कैंडिडेट लेके जाना है, ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक ले साथ लेके जानी है, एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाना हो तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जाना है यदि आप स्पोर्ट्स भर्ती में जा रहे हैं तो। आपके पास आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड लेके साथ लेके जाना है, और पैन कार्ड वो तो पैन कार्ड साथ में लेके जाना है, इसमें से एक आपने साथ लेके जाना है। 15 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में ये रैली होनी है, मैं आपको इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन भी करके दिखा देता हूं। ये भर्ती ये रैली कोई फेक रैली नहीं है, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन करके दिखा देता हूं। हमारे चैनल के ऊपर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की वीडियो मिलेगी, ओरिजिनल वीडियो मिलेगी, कोई फेक वीडियो नहीं मिलना आते हम। ये इसका नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, डिपार्टमेंट रेडियो मराठा लाइट रेजिमेंट बेलगांव में भर्ती होनी है। बेलगांव 15 दिसंबर से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, शिवाजी स्टेडियम में भर्ती होनी है। स्पोर्ट्समैन सोल्जर जीडी के लिए 15 दिसंबर को होगी रैली, ओनली मराठा स्टेट के लिए होगी स्पोर्ट्समैन की, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए स्पोर्ट्समैन की भर्ती 16 दिसंबर को होगी। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। आपका रिटर्न टेस्ट 31 जनवरी को होगा सोल्जर क्लर्क के लिए, और सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 28 फरवरी को आपका रिटर्न एग्जाम होगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपने के साथ ये सभी में से आपको कोई भी सर्टिफिकेट आपको आपके पास है तो स्पोर्ट्स का आप इस भर्ती में जा सकते हैं। ये नोटिस 14 अक्टूबर को आया हुआ है। बस आज की इस वीडियो में छोटी सी न्यूज आपको शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी।